सत्संग जी प्यार से कहना धन रंकार जी। बाबा जी हाँ। तारीफ तेरी क्या बोलूं, जो बोलूं तेरी रजा से बोलूं। क्या बात है, क्या बात है। बनने वाले तुझको गल बोलूं या गुलशन बोलूं भाई, कुर्बान। आखिर में क्या बोलूं, सब कुछ तो आप जानते हो, मेरा और आपका रिश्ता तो सदियों पुराना है। आप जब जब भी धरती पर आते हो मुझे साथ लेकर आते हो, पर मैं इस दुनिया को जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम खुदा की नूर से जुदा नहीं। ये देखो, ये सरदार ही नहीं, ये सरदार भी है, इसकी बातों में वो असर है, पत्थर को हीरा बना दे और इंसान को फरिश्ता बना दे। क्या बात। ये चारों वर्णों को एक साथ बिठाता है, यही वो धर है जहाँ पर एक पंडित को रान पड़ता है और एक मुसलमान राम मान पड़ता है। अगर वो सागर से पार हो मैं तो इसकी चरणों में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। भागवत गीता जी में भी कृष्ण बनकर कहा है, यदा आजा अभिधर्म से भारत है अब युद्धान धर्म से क्लात्मानम सुजानम परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संतापनाथ है संभवामी युगे युगे। क्या बात, अर्थार्थ है अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होती है, साधु संत पर कष्ट पड़ते है, अधर्म को बल बाला होता है, तब मैं धरती पर संतापन के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। इसलिए दुनिया के लोगो, सर्व धर्म प्रति जय माँ में गंगे एम पान सर बाबा भी मोक्ष स्वामी पहुंच। अर्थार्थ हे अर्जुन, तो अपने सारे धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा, मुझे सारे पाप से मुक्त कर मुख दान करो। आज रंकारी बाबा जी देश विदेशों में जाकर ये दो तलियां हिलाकर इस जीव का कल्याण कर रहे हैं। क्या बात, दास अक्सर कहा करता है कि दूध में चावल डालने से खीर बनती है, सतगुरु के चरणों में आने से तकदीर बनती है। कमाल। इसी का नजारा आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि खुशबू बिखेरता हुआ ये किरदार आपका, महक रहा है ये संसार आपका, दो टके का होकर भी लाखों का हो गया, जो सच्चे दिल से हो गया दातार आपका। बाबा जी तेरे ज्ञान का मुझ पर कुछ हुआ यो असर है, ना खुद की खबर है ना दिल की खबर है। ये कुछ और नहीं मेरे सेंसा, ये सब कुछ तेरी रहमत का है। तू ही तो है जो एक कत्व के भाव दिलों में जगाता है, इसने ऐसे सबको जीना सिखाता है, नम्रता की इससे बढ़कर मिसाल क्या होगी दुनिया में, खुद को कहता दास जैसे जग का विदाता। यही तो है जो समुद्रों के माफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, तुझे पता ही नहीं मेरे में घूमने वाले तेरी दुकान को और चला था। भाई बात को हम घर की चौराहों पर खूब जराए, लेकिन इसे भूल गए जो ये हवा चलाता है। अब संसार वालों के लिए जात पात धर्म मजहब अब तो छोड़ दे और दिल के टुकड़े समझ जा, संवार ले जिंदगी, यही पैगंबर है वक्त का, तू अपनी खुदी को मिटाकर इसकी चरण पकड़ ले। बाबा जी दास को छोटा दृष्टांत याद आ रहा है, आज्ञा हो तो बोलूं। एक बार गोपिकाएं नहा रही थी तो कन्हैया ने उनके वस्त्र चुरा लिए, तो वो कहती है वस्त्र दुकाना वस्त्र और ले जाओ, हटना करो खाना, वह कैसे आए पामो चढ़ कर आओ, पर वस्त्र कैसे आए खाना,
हंसना तो गेंगे ना, जब यह कोई नहीं था ना कन्हैया, या कोई था कैसे नहीं, या वृक्ष नहीं थे, या पवन की झोंके नहीं थे, या जमुना में था पानी ना था, आकाश नहीं था, आकाश में सूर्य ना था, पर तुम तो नहीं थे ना काना। मैं कहा नहीं था कहा नहीं हूं, कम नहीं था कम नहीं हूं। ज्ञान एक बार समझा कि दर्ज बार दर्पण यार, जिसे को तू जिसे को तू जिसे को तू ही तू। बाबा जी अब तो मुझे तैरने दे तैरने दे तैरने दे, या बहना ही सिखा दे, तेरी रजा में रहना सिखा दे, मुझे सिखवाओ ना किसी से। राज माता जी पूज्य माता जी मुझे सिखवाओ ना किसी से, सुख और दुख सहना सिखा दे। अब अंत में, वैसे तो हर जगह को जरूरत है तेरी इस मैक की, एक बार फिर कानो तो जयपुर पर यमुना खानवारी मेहर कर देना जी, इस जगत के कल्याण की थोड़ा सा दोना हो जी, संसार के बल की थोड़ा सा और दोना हो जी, सत्संग जी प्यार से कहना धन धन का।